तो यहाँ पुलिस के तमाम वरीय पदाधिकारी उग्र प्रदर्शन कर रहे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना है वरीय पदाधिकारी एसपी महोदय को यहाँ बुलाया जाए, उसके बाद कोई बात होगी। लेकिन पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी पुष्कर कुमार लोगों को पूर्ण रूप से आश्वासन दिए कि आप जाम को हटाइए, जो भी अपराधी हैं, जो भी घटना को अंजाम दिए हैं, उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वरीय पदाधिकारी की बातों को भी लोग नहीं मान रहे हैं। इस घटना को लेकर के लोग जो है सबको थाना गेट के आगे रख करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उग्र प्रदर्शन को शांत करने, लोगों को आश्वासन देने के लिए अररिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुष्कर कुमार, कौशल कुमार रानीगंज थाना अध्यक्ष, राजेश कुमार तिवारी सर्किल इंस्पेक्टर पूर्व थाना अध्यक्ष साजिद आलम भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है, लोगों का कहना है कि वरीय पदाधिकारी एसपी महोदय को बुलाया जाए, फिर इसके बाद किसी प्रकार की आगे की बात होगी। तभी आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से खचाखच भीड़ है थाना गेट के आगे। यह दृश्य है अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के बसेटी बौसी थाना जो रानीगंज प्रखंड के अररिया जिले में है, उसके आगे की यह दृश्य को मैं आपको दिखला रहा हूँ लाइव कवरेज। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, आप जहाँ भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो पीड़ित है उन्हें इंसाफ मिल सके। आप देख सकते हैं किस प्रकार उग्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला पुरुष बच्चे बूढ़े हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल है। घटना को लेकर के हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों के लोग एकत्रित है और सब जो है एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सबको कहना है जो पीड़ित परिवार है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिले। आइए और भी क्या बात कर रहे हैं पुलिस पदाधिकारी, पीड़ितों को क्या समझा रहे हैं, एक बार मैं पुनः वहाँ के दृश्य को और उन लोगों की बातों को आपको सुना दूँ। जी सर, जज आप